नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दी लालटेन शो में। और आज हम एक बार फिर पहुंचे हैं ढोरन गांव। ये वही ढोरन गांव है जिसको लगातार हम दिखा रहे हैं, क्योंकि इन तस्वीरों को दिखाना ज़रूरी है। जो केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की योजना है, इस गांव में नहीं पहुंच पा रहा है। यही कारण है कि हम लगातार आपको इस गाँव की खबर दिखा रहे हैं, इस गाँव के ग्रामीणों की तकलीफें दिखा रहे हैं। अब हम आपको जो तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं वो बेहद चौंकाने वाली है, और तमाम जो दावे हैं सरकार की और प्रशासन की, उन सिस्टम की पोल खोलती हुई तस्वीरें आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं। बने रहिए हमारे साथ। ये देखिए, ये करीब गांव से आधा एक किलोमीटर की दूरी पर है, और गांव के लोग यहाँ नदी उस पार से पीने के लिए पानी लेके जाते हैं। बच्चे महिलाएं यहाँ पर पानी भरने आते हैं, नदी का पानी लोग लेके जाते हैं। गुड़िया, क्या नाम है आपका? सुमन। ऐसे रोज आप लोग जाते हो पानी भरने? हाँ जी, ऐसे ही जाते हैं। तकलीफ नहीं होता? होता है ना, पैरों में दर्द होता है। हाँ, तो नदी पार करके जाना पड़ता है? हाँ। अच्छा, तो यहाँ पे भी पानी है, फिर उतना दूर क्यों? क्योंकि यहाँ पर पानी है ना, जो जानवर घुस जाते है ना, और जैसे भी ये गंदा भी है तो इसमें नीचे इसका पानी कोई नहीं पीता। अच्छा, तो उस तरफ नदी से लाते हो? हाँ, वो साफ पानी है ना, इसलिए उधर से लाते हैं। नल के पर तो है ही नहीं। किस लिए लाते हो? पीने के लिए। अच्छा, तो ऐसे रोज लाते हो आप लोग? हाँ। तो पार करके क्यों जाना पड़ता है? पानी तो यहाँ पर भी है। ये क्योंकि पानी ना गंदा है, इसलिए उस पार से लाना पड़ता है। कहाँ जा रहे हो भैया? क्यों? पानी पीने को चाहिए। अच्छा, पीने का पानी लेने नदी जा रहे हो? हाँ। ये पानी नहीं है? ये पानी अभी घर से निकलते है, मतलब खराब हो रहा मिट्टी। अच्छा, गांव में पानी नहीं है? गांव में नहीं है पानी, बिल्कुल नहीं आता है, सो वो पीने में सही नहीं लगता है। हाँ। तो ये नदी पार करके रोज जाते हैं? हाँ, डेली जाते हैं। अच्छा, तो डर नहीं लगता बच्चों को? डर तो लगता, हमको भी डर लगता, पीने को चाहिए तो वो तो जाना ही पड़ेगा। हाँ, हाँ। गांव में नल जल योजना नहीं है क्या? नहीं, कोई नहीं। तो सरपंच, सचिव, अधिकारी लोग आते नहीं है यहाँ पर? नहीं, कोई नहीं आता। नहीं, तो आप लोग रोज ऐसे ही जाते हो? डेली जाते हैं। ये मगरमच्छ है? हाँ, मगरमच्छ। गाँव ढोरन गाँव की तो जो है जगह पानी है, जाता आदमी सब हैरान, बंगा खसती जाती, बिजती जाती, गिरती जाती, उठावती बासा चली जाती, पानी की परेशानी है साहब। बिल्कुल खतरा नहीं है ऐसे में? वो खतरा भी है उससे, खाए के मंगरा भी किनारे लग सके, मंगरा भी पकड़ सकते है, जहाँ परेशानी है। रात बिरात पर है तो शेर की है कि शेर भी खा सकते है, ये परेशानी है। इससे साहब हमें उठाओ जा बैठे से, और हमारा माप जाए। क्या नाम है आपका? मुन्ना यादव, जमींदार है इस गांव के। बच्चे नदी से पानी कैसे ला रहे हैं आपके यहाँ पर? बच्चे पानी मुंह से ले आते थे, कम से कम 2 किलोमीटर दूरी पर है, और बीच में एक बरसात में जो है, जो बीच में एक धार निकल जाती, उसमें से भी करिया से हो पानी, और इस तरफ को पानी सही नहीं है, पीने लायक नहीं है। हाँ। तो उस तरफ बड़ी नदी में है जो पानी लेके आओ पानी। तो ये कैन नदी से जुड़ा है? हाँ, कैन नदी से है जी। तो ये इसमें खतरा नहीं है? इसमें खतरा है कि दो अचानक बाढ़ आ जाए, ऊपर पानी बरस जाए, अच्छी वर्षा हो जाए, तो जी हो सकता है कि कब बहा जावे। हाँ। इतनी तेज नदी आ जाए कि बीच के बीच टापू पे छक जाए।
तो क्यों जाते हैं बीचों बीच पानी भरने के लिए, क्या कारण? कहीं पानी की व्यवस्था है ही नहीं है, कुआ है वो सब सूखे पड़े हैं। हाँ। वैसे ही वो सरकारी कुआ है, वो बोलती कोई मरम्मत नहीं हुई है, 10-10 हाथ के कुआ है, उन बेगर जावे या उनमें वो हो जाए तो पानी बारह महीना रह सकता है, लेकिन कोई सुनता ही नहीं है, कोई आता ही नहीं है। तो अधिकारी क्यों नहीं आते, कारण क्या है भाई? अधिकारी इसलिए नहीं आते, अगर रोड है नहीं है तो अधिकारी जो एक बार हो जाता है वो दोबारा आने का नाम ही नहीं लेता है। अच्छा। हाँ, ये कई बार में वो जिंदगी भर के लिए फुर्सत हो जाती है, वहाँ पर गाड़ी खराब हो जाती है। तो हमारे जैसे ये जितने नेता विधायक जितने भी आज तक बनाए हैं 50 साल से चुनाव हो रहे, उमा जी इतने से विधायक बन के सीएम बन के जल संसाधन मंत्री बनी, हम लोगों ने बड़ी उम्मीद भाई कि चलो हम लोगों की अब विस्थापन हो जाएगा। वो जल संसाधन मंत्री बनने के बाद भी इतने स्पॉट पे आई केन बेतुआ परियोजना लिंक की, उनने वो 40 मंत्री लेकर के आई थी, तो वो हम लोगों का आश्वासन दे गई थी कि 1 साल के अंदर अंदर तुम लोगों का विस्थापन हो जाएगा और बढ़िया दूध मलिदा खाओगे। अब दूध मलिदा की जगह हम लोग भूखन मर रहे हैं, हमारी कोई सुनाई नहीं रहो, कुछ न विस्थापन हो रहो, ना इतने को कोई विकास हो रहो, तो इतने तो जिंदगी जो समझ लो कि नर्क जैसी बन चुकी है। कम से कम 80 साल से परेशान है आदमी, 80 साल से आज भी अंधेरे में रह रहे हैं, ना लाइट है, ना पानी की व्यवस्था है, ना सरकारी स्कूल की व्यवस्था कायदे की है, मास्टर है तो वो यहाँ पे रहते नहीं है, और उनकी गलती नहीं है मास्टरों की भाई, यहाँ जब हमें कष्ट है तो उन्हें भी कष्ट है, लाइट पंखा कछु कूलर है नहीं, अस्पताल की कोई व्यवस्था नहीं है। अच्छा। तो ये कैन बेतवा लिंक परियोजना जो है, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं कि इसकी शुभारंभ हो चुका है, तो आप लोग कितने दिन से परेशान हैं? अब इधर सुन रहे हम कम से कम 15-20 साल से कि कैन बेतवा परियोजना लिंक है जो बहुत बड़ा बांध बंधना है, अधिकारी आते जाते रहे हैं, अधिकारियों ने भी बताया है कि ये मंजूर हो चुका है। अब भाई पहले तो 30 साल तो निकल गई वन विभाग में विस्थापित हो तो, और जब से ये मंजूरी हो गई केन बेतवा परियोजना लिंक की, तो तब से वन विभाग के मारा तो 30 और 20-50 साल निकल चुकी विस्थापित हो भी में, तो क्या विस्थापित हो नहीं रहा गाँव, तो फिर योजनाओं का लाभ कैसे मिलता है आप लोग? योजना कोई लाभ नहीं है, 50 साल से कोई भी लाभ नहीं है, सब परेशान है, 50 साल से इंतजार कर रहे हैं। हाँ। अब क्या लगता है कब तक व्यवस्थापन होगा? अब कब, जब 50 साल आवे न करेगा तो हो सका सरकार को भर रोआ, बीजेपी सरकार को शासन है, बीजेपी भर में मतलब भर्रे में काम चल रहा हो, अब में और जोर होगा कि दो ही मुख्यमंत्री जन की सुनी दस्खत हो गए, प्रधानमंत्री जी ने बजट पेश कर दो, सुन रहे अब बाकी हमें तो पता नहीं है कि का है। प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान जी अपने आप को मामा कहते हैं बच्चों के, और वही बच्चे आज कैन नदी के बीचों बीच पानी लेने जा रहे हैं जी। तो क्या ऐसा होना चाहिए? अरे अब होना चाहिए कि उनसे भी तो हम सुना चुके, 3-4-5 गांव की जनता बमीठा आए थे वो पिछली पंचवर्षीय में, शिवराज सिंह जी से स्वयं बात करी थी पांचों गांव करने, आप यदि उनका भी ध्यान हुई है तो भी कह गए थे कि 1 साल के अंदर अंदर विस्थापित हो जाएंगे तुम लोगों की गांव, और 5 साल तो हो ही चुके। हाँ, बस से आए थे वो, बस से खजराहा गए थी तो बस छेंक ली थी हम लोगों ने पाँचों गाँव करने, और सब ने अपनी तकलीफ उनसे बताई थी कि हम तो बहुत परेशान हैं और हमारा विस्थापन हो जाए जल्दी से जल्दी, तो वो आश्वासन दे गए थे कि हाँ तुम्हारा विस्थापन हो जाएगा। तो जो भी नेता हैं विधायक हैं जो भी आते हैं कह तो जाते हैं फिर दोबारा लौट करके कोई नहीं आता है। जैसे बच्चे जा रहे हैं पानी भरने के लिए कैन नदी के अंदर, कोई हादसा होगा तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? अब इसका कौन जिम्मेदार है कि किसी को अब इतने पे आना ही नहीं है, वो तो अब हम ही लोग हैं, वो कोई भी हादसा हो जाए तो सुनवाई ही नहीं है कि ना रिपोर्ट किसी को लेना है ना किसी को जानकारी देना है, कोई आता नहीं है,